व्यंग रचना का शीर्षक है किसान आंदोलन बनाम हम दो हमारे दो। मोदी शाह अंबानी अडानी की जुगलबंदी के गली गली में चर्चे हैं। विकास का क्या गजब गुजरात मॉडल है, हम दो हमारे दो। मैंने एक भाजपाई से कहा, भाई साहब किसान जब चाहते ही नहीं है तो सरकार तीनों कृषि बिल वापस क्यों नहीं ले लेती। वह बोले, असंभव आर्यपुत्र असंभव। पूज्य नरेंद्र मोदी जी इतने दबंग प्रधानमंत्री हैं कि दो पूंजीपतियों के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। वाह, विपक्ष में थे तो FDI, आधार, GST, कृषि, निजीकरण सब पर भाषण और तेवर अलग थे। सत्ता में आते ही सब उलट पलट गया। ऐसो ही कि कथनी करनी का भेद देखकर कबीर कह गए हैं, तन उजरा मन गादरा, बगुला जैसा भेक, ऐसे से कागा भले बाहर भीतर एक। कहावत है कि बौनों की परछाई लंबी होने लगे तो समझ लो सूरज ढलने वाला है। प्रधानमंत्री जब नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे थे, उसी समय नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भारत में ज्यादा लोकतंत्र से परेशान थे। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि संसद भवन गोल से त्रिकोणीय क्यों बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ दिख गया। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मंत्री महोदय के किसान मतदाता माथा पीट रहे होंगे कि जिसे चुना हुआ समझते थे वह भी छटा हुआ निकला। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेश से जुलूस धरना प्रदर्शन की खबरें हैं। मोदी सरकार इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानती है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हां, अमेरिकी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर हम हस्तक्षेप कर आए तो बात अलग है। किसान आंदोलन के समांतर कृषि बिलों के फायदों को लेकर भाजपा ने जन जागरण शुरू कर दिया है। सब जानते ही हैं कि अब झूठ फैलाने को जन जागरण कहा जाने लगा है। मोदी सरकार की एक खूबसूरती तो माननी पड़ेगी कि ब्रेक का काम भी हॉर्न से लेती है। देश फिर से नई ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का भीतरी सच तमाम भाजपाई भी जानते हैं, लेकिन दो धुरंधरों के आगे बेचारे हर भाजपाई की हालत पांचवें सवार जैसी है। पांचवें सवार वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा। चार घुड़सवार दिल्ली जा रहे थे, उनके पास एक अतिरिक्त खाली घोड़ा था। रास्ते में उनसे एक निठल्ले ने पूछा, चारों लोग कहां जा रहे हो? वे बोले, दिल्ली। उसने निवेदन किया, आपके पास एक खाली घोड़ा है, मैं भी दिल्ली चलूं। चारों घुड़सवारों ने उसे भी साथ ले लिया। उसके बाद रास्ते में जब भी कोई उनसे पूछता कि आप लोग कहां जा रहे हो, तो चारों घुड़सवारों से पहले ही वह बोल पड़ता कि हम तो पांचों ही दिल्ली जा रहे हैं।